नमस्कार किसान मित्रों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके लिए एक ऐसा ट्रैक्टर लेके आए हैं जो कि ट्रैक्टर नहीं पावर टिलर भी बोल सकते हैं। और ये जो किसान लोग पावर टिलर लेते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि पावर टिलर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भी एक पावर टिलर जैसा ही ट्रैक्टर DK चैम्पियन कंपनी ने बनाया है, और आप पूरा ट्रैक्टर देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कितनी कीमत है और कैसा चलता है। टेस्टिंग भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस मॉडल का जो नाम है वो है DK चैम्पियन 115 DI मिनी ट्रैक्टर, इसको बोलते हैं कंपनी वाले। और इसमें आपको ग्रीविस कंपनी का इंजन मिल जाता है, और पीछे PTO भी आप देख सकते हैं। और इसका पीछे लिफ्टिंग कैपेसिटी का भी जो लगता है सब कुछ वो हटा रखा है कंपनी ने, अभी जो मेले में, किसान मेले में। इस वजह से हम आगे आपको दिखाएंगे सब कुछ। इसका PTO भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, और गियर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो किसान मित्र, इसमें आप गियर की बात करें तो पहले तो इसमें आपको हाई लो का गियर मिल जाता है, और 3 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स। साथ ही PTO का आपको मैंने जैसा कि बताया कि आप तो PTO इसमें 540 RPM और 1 780 RPM, ये 2 RPM पे आपका PTO काम करेगा। और बहुत अच्छा कंपनी ने मॉडल बनाए, हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंजन के सिलेंडर की। तो कंपनी इसमें 1 सिलेंडर का इंजन दिया हुआ है, और ये 2 व्हील ड्राइव में आता है, मतलब 4 व्हील ड्राइव में नहीं, 2 व्हील ड्राइव में। इसमें आप 3 व्हील कर सकते हैं, ये आपको पास में एक मॉडल दिख रहा होगा जो आपके साथ किट मिलेगी। मतलब आप जब जब ट्रैक्टर लेंगे तब आपको मिलेगा, जब आप चाहे तुम 3 व्हील कर सकते हैं, और 2 व्हील वो किसान खुद कर सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं लगा है। 5 लीटर का फ्यूल टंकी मिल जाता है डीजल का, और ये डीजल से चलने वाला है, आपको वो भी बता दूं। और आगे आपको लाइट मिल जाती है जो कि बाइक में जैसे लगती है वैसी, बहुत अच्छी है, आपको लाइट मिल जाती है। आगे का जो टायर है वो 4/50/10 का आपको आगे का टायर देखने को मिल जाता है, और हैंडल आपको नहीं मिलता है इसमें, आपको सॉरी स्टेयरिंग नहीं मिलता, आपको हैंडल ही देखने को मिल जाता है। जो कि जो किसान बाइक चलाते हैं उनको भी ये ट्रैक्टर मतलब चला सकते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया है। ग्रीविस कंपनी का मैंने आपको बताया इंजिन है, सेल्फ स्टार्ट इंजिन है। साइड में आपको एयर फिल्टर मिल जाता है, और दूसरी साइड आपको साइलेंसर मिल जाता है जो कि फुल्ली प्रोटेक्शन वाला साइलेंसर है, उसके ऊपर चाली भी लगाई हुई है। और इसकी क्लच की बात करें तो इसमें सिंगल क्लच आपको मिलता है देखने को, और एयर कूल्ड इंजन मिलता है ग्रीविस कंपनी का, और 3000 RPM पे ये ट्रैक्टर काम करेगा इंजन का। अब इसका गियर की बात करें किसान मित्रों, तो आपको इसमें 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने इसमें आपको 6 फॉरवर्ड मतलब 6 आगे के लिए, और इसमें अब जिस किसान को समझ नहीं आया उनको मैं समझा देता हूँ, 3 हाई में और 3 लो में, उसके अलावा एक रिवर्स का, तो वो 4 की कुल गियर हुए, तो 8 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसमें से आपको 2 रिवर्स और 6 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपको मैं अभी लीवर दिखा रहा हूँ वो PTO का है, और सामने की उसकी साइड दूसरी साइड जो है वो एक लीवर आपको देखने को मिलेगा, वो हाई लो का है। और इंजन बंद करने का वगैरह सब कुछ मैकेनिज्म आपको लाइट ऑन ऑफ करने का सब कुछ हैंडल पे मिल जाता है, और फ्यूल टंकी पे आपको देखने को मिल जाती है, इंजन स्टॉप करने का सब कुछ वगैरह, मतलब कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके बनाया है। सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल दी है ट्रैक्टर के हिसाब से। इसमें जो ब्रेक लगती है वो शू टाइप ब्रेक मिलती है जो कि वाटरप्रूफ होती है, और पीछे का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 500 केजी का है, 500 केजी तक आप कुछ भी उठा सकते हैं। और जो किसान लोग ट्रॉली से इसको ट्रॉली को ऊपर करना चाहते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व भी दिया है। पीछे की लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है, और बहुत अच्छा कंपनी ने डिज़ाइन करके ये ट्रैक्टर बनाया हुआ है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें इसकी जो लंबाई है वो है 2150 mm, मतलब फीट में बताए तो 7 फीट में ये पूरा ट्रैक्टर है लंबा, और चौड़ाई बताए तो इसमें 885 mm चौड़ा है, और 3 फीट मतलब आपको mm में नहीं समझ आता, जिन किसान मित्रों को उनको समझा दूँ मैं, 3 फीट इसकी चौड़ाई है, मतलब आप बहुत आसानी से फसल के बीच में से चला सकते हैं। अब किसान मित्रों, इस ट्रैक्टर की टेस्टिंग के बारे है, तो इस ट्रैक्टर की टेस्टिंग आप देख सकते हैं, इसमें अभी पीछे रोटावेटर चल रहा है, और कुछ इस तरीके से रोटावेटर चल रहा है। और इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि 2 RPM पे PTO आता है, 540 तो RPM पे PTO काम करता ही है, साथ ही साथ 780 RPM पे भी आपका PTO काम करेगा।
तो इसमें दो ऑप्शन आपको पीटीओ में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये आपको ट्रैक्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसान मित्रों, हाँ, अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 2,50,000 की स्टार्ट होती है। इसमें अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं और बहुत ही स्टेट में अलग भी प्राइस भी हो सकती है, तो फिक्स प्राइस नहीं है। आपके जो स्टेट है, आपका जो वो है जिला है, वहाँ अलग अलग शोरूम पे प्राइस हो सकती है। तो मैंने आपको प्राइस मतलब एवरेज प्राइस बताई दी है, जो कि 2,50,000 के आसपास आपको इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।